लिंडा का फोटोशूट खत्म होता है, उसकी पिक्स बहुत सुंदर आती हैं और उसकी मूवी थिएटरों में रिलीज भी हो जाती है। उसके बाद वह मूवी बहुत पैसा कमाती है। जब चैक, लिंडा और एंथनी बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं तो चैक और लिंडा कहते हैं एंथनी से कि हमें तो बहुत कम पैसे मिले हैं। इस पे एंथनी कुछ नहीं कहता। उसके बाद लिंडा को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लिंडा सपने देखती है कि मैं एक रियल स्टार बन चुकी हूँ, लेकिन उसकी माँ इस मूवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। लिंडा की सक्सेस के लिए एक पार्टी रखी जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्लेबॉय मैगजीन के स्टार से होती है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी स्टार बन सकती हो। उसके बाद बहुत सारे साल बीत जाते हैं। फिर वो ये सारी चीज़ें छोड़ चुकी थी और अपनी एक किताब लिख रही थी। राइटर वो सच बोल रही है या झूठ, इसके लिए उसके ऊपर टेस्ट करता है। और हमें अब तक जो कहानी बताई गई है, लिंडा उसका उल्टा ही बताती है कि जब चक और लिंडा की शादी हुई थी तो शुरुआत में चक लिंडा को हर बात के लिए मजबूर करता था और एक बार तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। फिर चक कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती संबंध नहीं बनाना चाहता। जब उन दोनों पे फाइनेंस की प्रॉब्लम आई थी तो चक लिंडा को एक डॉक्टर से मिलाने ले जाता। डॉक्टर लिंडा को पसंद कर लेता है और चक से कहता है मैं इसके साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। चक लिंडा को फोर्सफुली उस डॉक्टर के पास भेज देता है। लिंडा और लोगों के साथ इंटीमेट होने से मना करती थी तो चक उसे बहुत मारता था। इन सब से तंग आके वो अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है कि क्या मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। लिंडा की माँ उससे मना कर देती है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने पति के पास जाओ। लिंडा की माँ को नहीं पता था कि उसका पति उससे प्रोस्टिट्यूट करा रहा है और कहती है कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पति के साथ ही रहना चाहिए। और फिर उसकी माँ लिंडा से कहती है कि तुम्हें अपने पति को खुश रखना चाहिए, जो वो तुमसे कहता है तुम्हें करना चाहिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट कराता है। लिंडा कहती है कि मदर मुझे एक रात के लिए सिर्फ रहने दो, लेकिन उसकी माँ उसे अलाउ नहीं करती। जब चेक का फ़ोन आता है तो बता देती है कि लिंडा घर पे है। चेक लिंडा को वहाँ से ले जाता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और वो कहता है कि अब तुम एक मूवी बनाओगी और मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, तुम उसे ऐसे वेस्ट नहीं होने दोगी। फिर उसे मूवी सेट पर दिखाया जाता है जहाँ रो रही होती है। लिंडा के रोने की वजह से मूवी शूट नहीं हो पाई, इसलिए चक बहुत ज़्यादा नाराज होता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसे ज़बरदस्ती इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है। लिंडा दूसरे दिन मॉल में अपनी फ्रेंड से मिलती है और वो दोनों ड्रेस ट्राई करते हैं। लिंडा की फ्रेंड कहती है कि तुम ये मूवी बनाती हो अपनी मर्जी से बनाती हो कि चक तुम्हें फोर्स करता है। चक ये बातें सुन रहा होता है तो लिंडा डर जाती है। लिंडा कहती है नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे चेक जैसा हस्बैंड मिला है। जब रात में पार्टी हो रही होती है तो चेक प्रोड्यूसर से पैसे के बारे में बात करता है। प्रोड्यूसर कहता है मैंने लिंडा से पहले ही बात कर रखी है कि मैं उसे नेक्स्ट मूवी में डबल पैसे दूंगा। लिंडा ने पैसे की बात चक को नहीं बताई थी, इसलिए चक लिंडा को बहुत मारता है। चक प्रोड्यूसर से पैसे लेके अपने लिए घर भी ले लेता है और एक बिजनेस सेट करता है, वो बहुत पैसा कमाता है। एंथनी चक से मिलने आता है और